दोस्तों, जैसे कि नए नए जो YouTube क्रिएटर होता है, ऐसे तो YouTube में अभी क्रिएटर बहुत ज्यादा हो गया, ऑडियंस भी ज्यादा हो गया। तो नए नए जो YouTube क्रिएटर होता है, उन लोगों का वीडियो मान लो 200 वीडियो अपलोड कर चुका है उसका चैनल में, तभी उसका वीडियो में ज्यादातर व्यूअर जो आया है, मान लो 500 तक व्यूअर्स आए, एक है। महीना 2 महीना हो गया और भी वीडियो में व्यूअर्स इंक्रीज नहीं हुआ, और भी इंक्रीज नहीं हुआ है। उसके बाद मान लो आपका जो भी वीडियो है, जितना भी वीडियो है, 200 वीडियो है, मान लो 200 वीडियो है, 200 वीडियो में कौन सा वीडियो वायरल होगा, कौन सा वीडियो में व्यूअर्स आएगा, ये कैसे आप पता कर पाओगी जो भाई मेरा 200 वीडियो है, 200 वीडियो में से ये जो वीडियो है, ये सब वीडियो इजिली वायरल हो जाएगा, या मान लो हम लोग का वीडियो क्यों वायरल नहीं हो रहा है, किस लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो का क्वालिटी खराब है इस वजह से क्या वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, या मान लो कंटेंट खराब हो रहा है, या वॉइस खराब हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरा वीडियो में, बैकग्राउंड सही नहीं है इसका वजह से क्या वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ डिटेल से आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वो भी लाइव प्रूफ का साथ में। कहीं आप लोग सोचो मत भाई ये गलत, लाइव प्रूफ का साथ में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ परितोष, आप देख रहे हो एसके टेक ऑनलाइन। वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो, साथ साथ इंटरेस्टिंग पूरा देखना। चैनल में नए है तो प्लीज यार चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना, साथ साथ नीचे में आप लोगों को जितना बटन शो करेगा, चाहे वो लाइक हो डिसलाइक हो, सारा कुछ आप लोगों को प्रेस करना है। उसका क्या बात करना करना है, एक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, उसमें जाके बढ़िया सा एक तो कमेंट मेन बात यह रहता है। नए नए जो भी यूट्यूब क्रिएटर होता है, उन लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम होता है अपना वीडियो को वायरल करना, क्योंकि वायरल होता नहीं है। ऐसे मान लो 200 वीडियो अपलोड कर चुका है ऑलरेडी, तब भी वो एक एक वीडियो में 100 200, ज्यादातर 500 व्यूअर्स आया, उससे ज्यादा व्यूअर्स नहीं आया। एक एक वीडियो मान लो 2 महीना 3 महीना हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया, तब भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब उस वीडियो में जस्ट 500 व्यूअर्स हो गया, उसके बाद में और इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो परेशान होता है, सभी को परेशान लगेगा, भाई मेरा वीडियो क्यों वायरल नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बैकग्राउंड तो मैं सही लग गया, क्वालिटी भी सही है वीडियो का, वॉइस भी सही है, सब कुछ सही है, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कंटेंट क्या, कंटेंट में नए कुछ नए खराब है। जितना जितना क्रिएटर होता है सभी के साथ में होता है, तो ऐसे में अभी परेशान हो जाता है, भाई मेरा वीडियो कब वायरल होगा, कब मेरा चैनल ग्रो होने लगेगा, क्योंकि भाई वीडियो वायरल नहीं होगा तब तो भाई आपका चैनल ग्रो ही नहीं करेगा। तो ऐसे में चैनल हम लोग क्यों क्रिएट करता हूँ, भाई मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, उससे मोनेटाइजेशन हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो कुछ अर्निंग या इनकम भी आएगा, तो वीडियो दोस्तों ऐसे वायरल होगा या क्यों वायरल नहीं हो रहा है सारा कुछ मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप लोग सोच रहे हो भाई मेरा वीडियो वीडियो रहा है, इसका वायरल पीछे क्या रीजन है, मेरा बैकग्राउंड क्या सही नहीं है, या वीडियो का क्वालिटी खराब हो रहा है, या वॉइस खराब हो रहा है, या कॉन्टेंट सही नहीं है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ऐसा कोई बात नहीं है। मैं इसलिए मैं आप लोग का साथ में बता रहा हूँ, कहीं गलत मैं हो सकता है कुछ गलत सलत बोल रहा हूँ, लेकिन उतना भी गलत नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। मान आप लोग सोच रहे हो मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है इसी वजह से वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है। या सोच रहे हो आप लोग मेरा वीडियो का क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, मैं कैमरा खरीद नहीं पाया हूँ, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, उसमें कैमरा जो है स्मार्टफोन का कैमरा उतना मतलब महंगे वाला स्मार्टफोन नहीं है, उसमें कैमरा इतना अच्छा नहीं है, इसलिए क्वालिटी वीडियो नहीं हो रहा है, या मान लो एडिटिंग सही से कर नहीं पा रहा है, या मान लो आप कॉन्टेंट सही से डाल नहीं पा रहे हो, इस वजह से वीडियो वायरल हो जाता है गाइस। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, आपका वीडियो क्वालिटी कैसा भी हो, या मान लो आपका वॉइस थोड़ा भी खराब हो उसमें भी चलता है, या मान लो आपका बैकग्राउंड सही नहीं है उसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कंटेंट आपको सही डालना चाहिए। आप लोग सोच रहे हो दोस्तों कंटेंट सही नहीं है इस वजह से वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, नहीं दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, कंटेंट आपको सही नहीं होने से आपका वीडियो वायरल नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है, आपका वीडियो तो वायरल होगा, अगर आपका कंटेंट सही नहीं रहेगा तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। मान लो आपका चैनल में 20,000 सब्सक्राइबर हो गया है, तो आप अच्छे कंटेंट प्रोवाइड नहीं करोगी तो भाई आगे जाके आपका चैनल में और कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा और आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, आपका वीडियो तो वायरल होगा, वीडियो का वायरल होने के साथ में कंटेंट का उतना मतलब मायने नहीं रखता है, तो गाइस वीडियो तो वायरल क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो वायरल क्यों नहीं होता है इसका पीछे रीजन यही है। मान लो हम लोग एक YouTube देख रहा हूं, आपका जो भी चैनल है, मुझे तो नहीं पता है भाई तुम्हारा ये चैनल है, इस चैनल का नाम यही है, मैं सर्च करूंगा तो आ जाएगा, या सब्सक्राइब करके रखा हूं तो नोटिफिकेशन आएगा, आपका डाला हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो सब्सक्राइब करके रखा है उसका तो नोटिफिकेशन उसका पास भी जाएगा, जो सब्सक्राइब करके नहीं रखा है आपका वीडियो, अगर वो एप्लीकेशन जब भी यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करेगा उस आपका वीडियो अगर उसका ब्राउज फीचर में शो करेगा तो बंदा डेफिनेटली उसमें देखेगा, अगर आपका थंबनेल क्लिकेबल थंबनेल होगा तो बंदा डेफिनेटली क्लिक करेगा। अगर मानो कोई बंदा यूट्यूब एप्लीकेशन में जाता है, जाने के बाद उसको तो आपका चैनल का नाम पता नहीं है, जो भाई थोड़ी आपका चैनल सर्च करके देखेगा, वो नहीं देखेगा, ऐसे कुछ कीवर्ड सर्च करके देख सकता है लेकिन चैनल उतना सर्च नहीं करता है, तो ऐसे में अगर
उसका ब्राउज फीचर में कुछ वीडियो आ जाता है, मान लो आपका जो वीडियो है बहुत नीचे में मतलब लास्ट में शो कर रहा है, तो बंदा इतना नीचे कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा इतना नीचे में। आगे जितना मतलब वीडियो शो करेगा वो 2, 10, 20 वीडियो चेंज करके देखेगा, उसका नीचे में अगर आपका वीडियो शो करेगा तो कौन देखेगा? इसके वजह से वीडियो वायरल नहीं होता है। आपका एसईओ सही से करना पड़ेगा, मतलब टैग आपको सही से डालना पड़ेगा। अगर सर्च करेगा कोई बंदा तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है। अब तो ये आ गया है वायरल क्यों नहीं होता है, इसका तो बात आ गया, इसको रख देता हूँ साइड में। अभी हो गया बात, मान लो आपका चैनल में 200 वीडियो है, तो 200 वीडियो में कौन सा वीडियो वायरल होगा ये पता कैसे कर सकते हो? तो दोस्तों मैं लाइव प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ। ऐसा जो मैं पहले बताया, वीडियो वायरल होने का पीछे कोई बैकग्राउंड या वॉयस या बोलो कॉन्टेंट उतना मैटर नहीं कहता है, मैं लाइव के साथ में अभी बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखो, अभी जाके एक लाइक करो वीडियो को, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मैं देख सकता हूँ मेरा चैनल में ऑलरेडी 180 जैसा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में मेरा जो कुछ वीडियो में दिखा रहा हूँ 100, 200 या 300 व्यूअर्स आया है, उसमें और भी इंक्रीज नहीं हुआ है। 1 महीना 2 महीना हो गया 3 महीना हो गया, लेकिन एक वीडियो अभी फाइनली देख सकते हो, ये बहुत पुराना वीडियो है। मतलब फास्ट में मान लो मैं जब चैनल क्रिएट किया था उतना अच्छे से बोल भी नहीं पाता था, या वीडियो का क्वालिटी भी सही नहीं है। आप लोगों के सामने मैं लाइव प्ले करके भी दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वालिटी बोलो या वॉइस बोलो उतना सही नहीं है, या कंटेंट का बात करो मैं खुद को भी नहीं पता इस वीडियो में मैं क्या बताया हूं। तब भी इस वीडियो देखो डेली 100-200 करके व्यूअर्स इंक्रीज हो रहा है। मतलब अभी इसका व्यूअर्स देख सकते हो, मतलब 3.1K व्यूअर्स हो चुका है इस वीडियो में। कमेंट भी बढ़िया बढ़िया कमेंट आया है, लाइक भी आया है, डिसलाइक उतना भी ज्यादा नहीं आया है। लेकिन इस वीडियो में क्या रखा है आप लोगों के सामने में प्ले करके दिखाया। इस वीडियो में मैं खुद कंटेंट जो प्रोवाइड किया हूँ, मेरे मुझे नहीं पता है मैं कौन सा कंटेंट इस वीडियो में प्रोवाइड किया हूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी लेटेस्ट वीडियो रिसेंट का वीडियो आप देख सकते हो, उसका क्वालिटी बोलो या वॉइस बोलो या कॉन्टेंट बोलो बहुत बढ़िया से कॉन्टेंट प्रोवाइड किया हूँ, तब भी इस वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोग सोच सकते हो कंटेंट बोलो या वीडियो का क्वालिटी बोलो उतना मैटर नहीं करता है। हाँ कंटेंट डेफिनेटली मैटर करता है, कंटेंट आपको चैनल ग्रो करने के लिए कंटेंट मैटर करता है, वीडियो वायरल होने के लिए कंटेंट मैटर नहीं करता है। अगर नया एक यूट्यूब क्रिएटर होता है, आपका जो भी वीडियो है उसका लिंक आप किसी दोस्तों के साथ में शेयर करो, उस वीडियो पहले उसका रैंक अच्छे खासे हो जाए, उसका बाद में वो ब्राउज फीचर में शो करेगा। तो फास्ट में नए नए क्रिएटर का यही प्रॉब्लम होता है, ब्राउज फीचर में वीडियो शो नहीं करता है। अगर हम लोग का चैनल जो है ग्रो हो जाएगा अच्छे खासे तो ब्राउज फीचर में सभी का ब्राउज फीचर में शो करेगा, या सब्सक्रिप्शन जो फीचर होता है उसमें शो करता है, तो उसमें वीडियो वायरल हो जाता है इजीली। तो नए नए क्रिएटर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, लोग सोच रहे हो भाई मेरा वीडियो का क्वालिटी सही है, ऐसे नहीं है इसलिए वायरल नहीं हो रहा है, ये सरासर गलत है। आप लोगों का फास्ट में जो स्ट्रगल होता है थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत का बात छोड़ो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप लोगों का वीडियो इजीली वायरल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ मोटिवेशन वीडियो, आशा करता हूँ उस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिला है, सीखने को मिला है, जानने को मिला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों दूसरा कोई टॉपिक के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जाकर कॉमेंट करके बताना। अभी जब वीडियो को एक लाइक करना, दोस्तों के साथ चाहो तो शेयर भी कर देना। तो गाइस चलिए फिलहाल आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर।